नकोदर न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे सारे दर्शकों का मेरे वालों जाने की हरदीप सिंह वालों सारे सत श्री अकाल। दोस्तों राजस्थान के रैसे नगर के खड़े हैं, कुछ दूर पिंड खड़े हैं। तुम तस्वीर देख रहे हो कि जो ये खेती सी इतने पहला सरों की खेती की गई सी, पर उस तो बाद बारिश का सबब नहीं बनया, जिस दौरान अजे तक इतने कोई भी चीज़ की खेती नहीं की गई। जेकर इस तो अगे सीधा देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रेगिस्तान है, पहाड़ जिडे व्डे व्डे रेगिस्तान बने हुए हैं। कारण उही है जो पुराना तुम्हें असं लगातार दिखा रहे हैं कि पानी की किल्लत इतने भी है, पानी की दिक्कत है, जिसके कारण इतने कोई वधिया फसल नहीं होंगी। इस तो बाद असं थोड़ा अगे भी जाके तुम्हें दिखाऊंगे। हाँ, पंजाब के ज़्यादातर छोटे जिमीदार तो लैके व्डे तक काफ़ी व्डे व्डे ट्रैक्टर रखे हुए हैं, पर इतों के जो वसनीक है जो खेती लोग करते हैं अज भी वो बल्दों की खेती तो निर्भर है, बल्दों के नाल खेती करते हैं। ज़्यादा समय ना लेंदे हुए तुम्हें अगे भी असं लै चलते हैं जो इंसान बल्दों के नाल खेती कर रहे हैं। पंजाब के जो अज के हालात है, जमीन चे दो किले हो पर जो किसान है ट्रैक्टर जरूर खरीदता है, नवा हो जे पुराना, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी सिर पर चढ़ जाता है और कई बार कर्जा मोड़िया भी नहीं जाता और फाइनेंस वाले ट्रैक्टर फड़ के ला जाता है। वड्डी गल है, देखो इतने रैसे नगर के खड़े हैं, थोड़े जगह एक पिंड है जो किसान है साढ़े नाल ने, उसका जो पिछोकड़ नवा शहर तो है पंजाब तो इतने आए से इतने आके 8 किले की खेती करता है, पर वो जो खेती करता है बैलों के नाल जानि कि बल्दों नाल खेती करता है साढ़े नाल ने, गलबात उन्हें करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुरमेल सिंह है। कितनी जमीन है तुम्हारे को? साढ़े को 8 खेत है। 8 खेत है, तो तुम बल्दों नाल खेती करते हो? हाँ जी, बल्दों नाल करते हैं। तो तुम्हारा पिछोकड़ कितों आए थे? असं नवे शहर बरनाला पिंड है। बरनाला तो उतो की कारण हो गए थे तुम इतने आ गए? उतो जी काफ़ी टाइम हो गया सू, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, इतने जो खेती करते हो कद सोचे नहीं कि ट्रैक्टर ले लिए? नहीं जी, पंजाब तो लोग जी 2 किले भी जमीन होंगी तो ट्रैक्टर ले लें, तो ट्रैक्टर ना लैन का कारण की है? ट्रैक्टर फायदा ही नहीं जी। की फायदा है? ट्रैक्टर कोई फायदा नहीं है, कर्जे थले आने का। तो एक दिन के किन्नी तुम जो कर रहे थे नरमे ने तुम सीलिंग कर रहे हो, एक दिन कि कर लें? असं 5-6 खेत कर दी। तो जो पूरी 8 किले की है, 8 किले किन्ने दिन कर लें? 2 दिन लग जाएंगे। जेकर तुहाडे कोल ट्रैक्टर हो खर्चा किन्ना दुगना वध सकदा? खर्चा काफ़ी वध सकदा। तो हुण ये बल्द है इसने घटा किन्ना होया खर्चा? इन्हां नूं की एक तूड़ी चाहिए होर की, खर्चा घटिया ही घटिया। पंजाब के किसान है जो 2 किले जमीन और ट्रैक्टर खरीद लेंदे है, की सुनेहा देना चाहोगे पंजाब के लोगों को? ਨਿਆ ਵੀ ਨਾ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਬਲਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤੇ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲਓ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਜਾਓਗੇ। 8 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ।